अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जेके स्टूडेंट कॉर्नर में। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यहाँ पे जेके बोस के 12th कश्मीर डिवीजन का जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है उसकी पासिंग परसेंटेज बताने जा रहा हूँ। टॉपर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे, मतलब कौन से स्ट्रीम से कितने टॉपर्स रहे, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का नंबर वन टॉपर कौन रहा, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि 10th क्लास कश्मीर डिवीजन का रिजल्ट कब तक आउट होगा। तो बने रहे वीडियो के साथ, सब्सक्राइब कीजिए जेके स्टूडेंट कॉर्नर को और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट जेके बोस जेके एसएसबी की तरफ से मिल सके, वो भी सबसे पहले। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने तो अभी तक अपना रिजल्ट चेक कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया तो आपके जो कश्मीर डिवीजन के स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट यहाँ पे निकल गया। तो आप अपना रिजल्ट यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट jkbose.nic.in पर चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको देखिए बता दूँ, ये गैजेट अगर आपको चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो टोटल एनरोल्ड स्टूडेंट्स यानी टोटल जो स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया था वो 72,000 थे, और टोटल पास जो थे वो 54,000 हुए हैं। यहाँ पे पासिंग परसेंटेज बताऊँ आपको तो 75% जो हैं स्टूडेंट्स टोटल पास हुए हैं। डिस्टिंक्शंस कितनी हुई हैं यहाँ पे तो 75% एंड अबव यहाँ पे डिस्टिंक्शन देखने को मिलेंगी। फर्स्ट डिवीजन 60% अबव एंड सेकंड डिवीजन 48% अबव एंड थर्ड डिवीजन 36% एंड अबव। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टॉपर्स की। अब टॉपर्स कौन कौन है यहाँ पे इस बार यहाँ पे कश्मीर डिवीजन के, तो नंबर वन पे हैं यहाँ पे एक लड़की हैं अरुजा परवेज अहमद शाह। यहाँ पे इनके 499 हैं, 99.8% मार्क्स इन्होंने यहाँ पे लिए हैं। यहाँ पे जो ये स्कूल का नाम है इनका कश्मीर हर वर्ल्ड EDU इंस्टीट्यूट नसीम बाग श्रीनगर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे देखिए 498 लेके दूसरी एक लड़की है सिमरा हफीज़। तो यहाँ पे आप इन सबों को पढ़ सकते हैं, आपका भी क्या पता इसमें नाम आया होगा। यहाँ पे देखिए पासिंग परसेंटेज जो स्टार्ट हो रही है यहाँ पे टॉपर्स की, यहाँ पे साइंस में तो 499 स्टार्ट है। और यहाँ पे मैं लास्ट आपको बता दूँ, यहाँ पे लास्ट हम जाएंगे, अभी थोड़ा वेट कीजिएगा, लास्ट पे हम आपको बताएंगे कि लास्ट यहाँ पे पासिंग परसेंटेज यानी टॉपर्स की क्या रही। यहाँ पे हम इसे स्क्रॉल करके यहाँ पे इसे ढूंढ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप जो लास्ट स्टूडेंट्स हैं जेब उल निज़ा, यहाँ पे देखिए 419 के मार्क्स हैं, 98% इन्होंने जो है यहाँ पे मार्क्स गेन किए हैं यहाँ पे फैकल्टी ऑफ साइंस में। मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया। अगर आपको ये गैजेट डाउनलोड करनी है तो आप हमें व्हाट्सअप पे मैसेज कर दें, हम आपको विद इन 10 मिनट्स इसका रिप्लाई दे देंगे, तो आपको ये गैजेट सेंड कर देंगे। यहाँ पे फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में जो है 497 पर यहाँ पे देखिए तबिंदा जैन, यहाँ पे देखिए लड़की का नाम है यहाँ पे ये नसीन बाग श्रीनगर की हैं, इनकी ये जो है यहाँ पे टॉपर है 497 मार्क्स कॉमर्स में। यहाँ पे हम स्क्रॉल करेंगे और हम आपको बताएंगे कि जो लास्ट स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे कौन है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लास्ट जो स्टूडेंट हैं जुबैर शफी भट्ट, यहाँ पे ये अनंतनाग के हैं, इनके 485 मार्क्स हैं यहाँ पे 500 में से। तो ये जो हैं लास्ट स्टूडेंट हैं यहाँ पे कॉमर्स के टॉपर्स में। तो अब आर्ट्स की बारी आती है। आर्ट्स में हम आपको यहाँ पे देखिए फर्स्ट पे आर्ट्स जो है, आर्ट्स के फर्स्ट पे है यहाँ पे अदीबा मुजम्मिल हफीज़ खान नजीमा, यहाँ पे 496 मार्क्स इन्होंने गेन किए, 99.2% इन्होंने यहाँ पे मार्क्स लिए हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में यहाँ पे जो लास्ट पे है नसीर अहमद गनी अब्दुल अहमद गनी, यहाँ पे 487 मार्क्स इन्होंने गेन किए, यानी 97.4% मार्क्स इनके आए हैं। अब हम होम साइंस की बात करते हैं। होम साइंस में जो फर्स्ट नंबर पे हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे सहिला नबी गुलाम नबी गुजू शफीका गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी कोथीबाग, यहाँ पे देखिए 495 मार्क्स इन्होंने लिए हैं। यहाँ पे टॉपर जो है होम साइंस की 495 पे फर्स्ट टॉपर है यहाँ पे। हम आप लास्ट टॉपर की बात करें तो यहाँ पे 466 मार्क्स लेके यहाँ पे देखिए लास्ट टॉपर है, 93.2% मार्क्स इनके आए हैं। अब अडीबा या दोस्तों देखो, मैंने आपको सुबह बताया था कि जो 12th का रिजल्ट आएगा वो विद इन 2 डेज में आपको देखने को मिलेगा, तो आज ही आपका रिजल्ट आ गया है। अब हम बात करें यहाँ पे जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं कश्मीर डिवीजन के हों या जम्मू विंटर जोन के, उनके बारे में यहाँ पे मैं आपको बता दूँ उनका रिजल्ट कब तक आउट होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, कश्मीर के जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा विद इन यानी 1 वीक, यानी आपको
12 13 तारीख से पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, 12 या 13 तारीख से पहले आपको देखने को मिलेगा। मगर उससे पहले यहाँ पे जम्मू विंटर जोन का रिजल्ट आपको 10th क्लास का देखने को मिलेगा, वो विद इन यानी जम्मू विंटर जोन के जो स्टूडेंट्स हैं उनका आपको 2 to 3 days में आपको देखने को मिलेगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर दोस्तों आपको रिजल्ट चेक करना नहीं आता तो आप हमारे ऑफ यहाँ पे चैनल पे यहाँ पे विजिट करें, आप वहाँ पे एक वीडियो मिलेगी रिजल्ट चेक कैसे करें, तो आप वहाँ से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वक्त, तब तक के लिए बाय बाय।